So today we will learn drift velocity of electrons. Drift velocity of electrons. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसका एक जनरल मीनिंग समझते हैं जो कि हमें थोड़ा सा इजी हो समझने में. ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया? अगर मैं एक तरीके से इसको कहूं कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स को धक्का लगाओ और आगे की तरफ इसको मूव करवा दो, मतलब लैंग्वेज में अगर फिजिक्स लैंग्वेज में बोल मैं कहूंगी इसको डिस्प्लेस कर दो अपनी पोजीशन से, ठीक है, ये यहां से यहां पर मूव करे. ये यहां से यहां पर मूव करा है इसका मतलब मैंने इसके ऊपर क्या लगाया है, फोर्स लगाया है. सिमिलरली ये ड्रिफ्ट का भी मीनिंग कुछ इस तरीके से ही निकल कर आता है. ड्रिफ्ट, ठीक है, एक पोजीशन से एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ले जाया जा रहा है, ड्रिफ्ट, ठीक है. अब यहां पर बॉक्स नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम बेटा क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, ठीक है. तो इनको हम मूव करवा रहे हैं, कैसे मूव होगा, दैट मीन्स यहाँ पर अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर के अंदर रेंडमली मूव करते हैं जिसकी वजह से उनका एक्चुअल फ्लो कंसिडर नहीं होता और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है. दैट मींस अगर मैं ये कंसीडर करूं कि मेरे पास एक मेटेलिक कंडक्टर हो और इस मेटेलिक कंडक्टर में एज वी ऑलरेडी नो कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे करंट कैरियर्स होते हैं, ठीक है. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रेंडमली मूव करते हैं, ठीक है, विद देयर थर्मल स्पीड, और इनकी जो थर्मल स्पीड होती है वो इनका ऑर्डर कुछ इतना होता है 10^5 टू 10^6 मीटर पर सेकेंड. इनकी जो थर्मल स्पीड होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उनकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो कुछ इस ऑर्डर में होती है. लेकिन अगर हम कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात करें तो उसमें हमारे पास ये सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर रेंडमली मूविंग हेयर एंड देयर. तो इट मींस अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास लार्ज नंबर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उनकी स्पीड U1, U2, U3 up to UN है, ठीक है, मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सबकी स्पीड हमने इस तरीके से लिख दी U1, U2, U3 या UN, ठीक है. तो अब क्योंकि मुझे डायरेक्शन कंसीडर करनी है, यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है, तो इसलिए मुझे स्पीड नहीं, तो बेटा मैं यहाँ पर स्पीड की जगह वेलोसिटी टर्म यूज करूंगी. तो इसलिए वेलोसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके लिए मुझे इसके ऊपर एरो लगाना पड़ेगा. मैंने एरो लगा दिया, ठीक है, तो मेरे पास सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी आ गई. अब इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की बेटा मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, इफ आई फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, U1 + U2 + U3 up to UN डिवाइडेड बाय n. तो बेटा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं. और ऊपर अगर आप न्यूमरेटर में देखो सारी वेलोसिटी जो कि हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उनका क्या हो रहा है, वेक्टर सम हो रहा है. अब क्योंकि उनकी डायरेक्शन जो है सबकी सेम नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट में जा रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट में, जितनी वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की अगर लेफ्ट में है उतनी ही वेलोसिटी हो सकता है कि वो उसकी राइट में भी हो, अप डाउन, ठीक है, या कोई भी डायरेक्शन, जिसकी वजह से अगर इसकी एवरेज ऑन वेलोसिटी निकाली जाए तो एवरेज वेलोसिटी इस टाइम पर जीरो हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है, ठीक है. सो दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये क्लियर होना चाहिए कि जब एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है. तो हमने ये फिजिकली कल कर लिया, आज हम इसको एनालिटिकली कर रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की हमने वेलोसिटी मान ली, फिर हमने कहा कि उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली जाए तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल. सो बेटा यहाँ पर हमारे पास एवरेज स्पीड जो है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर क्या आ गई,
जीरो के इक्वल आ गए, ठीक है। बट अगर हम इसी कंडक्टर को क्या करें, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें या सेल के साथ कनेक्ट कर दें, नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जब हमने यहाँ पर बैटरी अप्लाई कर दी, बैटरी अप्लाई करने का मतलब मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन को देख रही हूँ यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और वो फोर्स की वैल्यू बेटा आप लोगों ने लर्न की थी Q into E। तो यहाँ पर फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, इट विल बी Q की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन है, साइन लूंगी माइनस का, माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मींस चार्ज पार्टिकल हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, जो कि हम ऑलरेडी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब इधर जाएगा, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। नाउ इन दिस केस क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू एफ की वैल्यू माइनस ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। नाउ इन दिस केस What will happen in this case? ये जो acceleration है, ये acceleration electron को क्या कर रही है, उसकी speed बढ़ा रही है, ठीक है। उसने उसकी velocity को बढ़ाया, force लगा, वो आगे push हुआ, आगे की तरफ चला, इस direction में इधर की तरफ move किया। लेकिन क्या हुआ, What happened in this case? ये electron जब इधर की तरफ आया, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हो सकता है कि यहाँ पर ये जो हमारे कंडक्टर के जो एटम्स हैं, जो आयन्स हैं, या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो एटम्स हैं कंडक्टर के, जो आयन्स प्रेजेंट है कंडक्टर में, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है आगे इसके साथ क्या करे, कोलाइड करे। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था यहाँ पर था एक एटम या कोई आयन से टकराया, टकराने पर क्या होता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, उसकी वेलोसिटी बेटा डिक्रीज हो गए। तो अब इस केस में क्या हुआ, इट्स वेलोसिटी नाउ डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब अब क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल विद इन अ सेकेंड, मतलब पूरे वेरी शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर उसकी एक एक्सेलरेशन एक जीरो बना दे, ठीक है, ठीक है, दैट मीन देर इज नो चेंज इन आर वेलोसिटी। तो क्योंकि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी को घटाया गया, एक्सेलरेशन अब डिक्रीज हो गई, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, इस टाइम ड्यूरेशन जैसे ही वो टकराया विद इन अ सेकेंड वो रुका, ठीक है। फिर आगे अब जब जब एक तरफ से यहाँ से इसकी स्पीड कम हुई, अब पीछे से इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रुकने थोड़ा देगा, वो क्या करेगा, वो इसको आगे धक्का लगाएगा, पुश करेगा, फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। फिर से दोबारा कोई एटम और आयन उसके रास्ते में आया, फिर टकराया, फिर उसकी वेलोसिटी कम हुई, फिर अब क्या हुआ, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फिर से दोबारा इलेक्ट्रिक फोर्स पीछे से लग रहा था कंटिन्यूसली, तो ये फिर दोबारा इसको धक्का लगा के इसको आगे भेजेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर अगर आप देखें कि एक कोलिजन ये दूसरी कोलिजन, मतलब सक्सेसिव कोलिजन, कैसी सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन,
यहां से टकराया, फिर यहां से टकराया, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कोई भी इसको रोक नहीं रहा है, कोई भी कोई कोलिजन नहीं हो रही है, तो इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच वाले टाइम को हम कहते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। इस कंसेप्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें कि दो कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी उसको कोई रोक नहीं रहा है, सिर्फ पीछे से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जो कि इसको आगे की तरफ मूव करवाने दे रहा है, रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर वन इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कितना है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर टाउ वन है, द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड आयन इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आगे भी तो जा रहा है, इसकी इसके अंदर भी तो कुछ रिलैक्स करेगा इस कोलिजन के बीच में, फिर आगे भी रिलैक्स करेगा दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर जस्ट वेट, तो बेटा हमारे पास जितनी भी ये सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम आएंगे, मतलब रिलैक्सेशन टाइम्स आएंगे, उन सबका अगर मैं क्या ले लूं बेटा, एवरेज ले लूं। इफ आई टेक द एवरेज ऑफ ऑल द रिलैक्सेशन टाइम, जैसे मान लो कि टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री, इस तरीके से रिलैक्सेशन टाइम्स आ गए, तो अगर मैं सभी का अगर एवरेज ले लूं, इफ आई टेक द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैंने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट कर दिया, टाउ से डिनोट कर दिया, टाउ से डिनोट कर दिया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को, एक एंड से इस एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो बीच बीच में वो कोलिजन के बीच में जो उसको टाइम मिला उसे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमने कह दिया। Is it clear to all of you? So now, if I say कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में इनिशियली अगर उसकी स्पीड मैं जीरो कहती हूँ, इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट पे था, ठीक है, तो इनिशियली उसकी स्पीड जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसकी जीरो थी, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट हुआ, कितनी एक्सलरेशन से, ए एक्सलरेशन से। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि what will be its final velocity, इसकी final velocity क्या होगी, what will be its final velocity, उस velocity को v से लिख रहे हैं और यहाँ पर मैं इसको क्या लिख देती हूँ, नीचे d लिखती हूँ। अभी मैं define करूंगी इस वाली term को, v d मैंने लिख दिया, this is the final velocity acquired by the electron, this is the final velocity acquired by the electron, ठीक है, एंड टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम, और टाउ क्या है यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू ए वी टी यूज्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मैं यहाँ लिखूंगी बी की जगह वी डी, U की जगह जीरो, A की जगह ए ही, और T की जगह क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, टाउ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं ये टर्म VD लिख रही हूँ, दिस VD टर्म, दिस इज अ वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ये VD वेलोसिटी है जो कि हेल्प कर रही है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से वो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये इसको ड्रिफ्ट करवा रहा है, ये इसको ड्रिफ्ट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर बेटा हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिया है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास हम क्या कह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर एक साइड से दूसरी साइड पर, और कैसे मूव कर रहे हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर समझा जाए, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है, अगर इसको लॉन्ग मेथड से किया जाए तो ये बहुत बड़ा फिर डेरिवेशन बन जाती है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज निकालेंगे कुछ इस तरीके से, V1 U1 प्लस A, ठीक है, A tau 1, V2 इक्वल टू U2 प्लस A tau 2, ठीक है। सभी के ऊपर एक्सेलरेशन तो सेम होगी, सबका रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन की मैंने फाइनल वेलोसिटीज लिखी हैं, UN A tau N। अब इसी को ही मैं सबको ऐड कर दूं, सारी इक्वेशन को ऐड कर दूं, बेटा आपके पास क्या आएगा, V1 प्लस V2 अप टू VN इक्वल टू में क्या आएगा बेटा, बट आई विल राइट इक्वल टू में U1 प्लस U2 अप टू UN, ठीक है। तो हमारे पास प्लस A tau 1 tau 2 अप टू tau N, ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पर हमने सारे इलेक्ट्रॉन को एक ही इक्वेशन में कंसीडर कर रखा है, यहाँ पर मैं हर एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग इंडिविजुअली बात कर रही हूँ, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, ऐसे ही nth के लिए, सभी इक्वेशन को ऐड कर दिया। अगर मैं इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड बाय n कर दू, डिवाइड बाय n यहाँ पर कर दू, तो ये देखो आप, पहले आप इसको देखो, U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n, दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इनिशियली, ठीक है। इनिशियली एवरेज थर्मल वेलोसिटी किसके इक्वल आ रही थी, जीरो के इक्वल आ रही थी, दैट्स वाई बेटा यहाँ U की वैल्यू जीरो लिखी है। किसी ने भी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम हाउ द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी जीरो, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, वो तो मूव कर सकते हैं इधर उधर, तो हमने यहाँ जीरो क्यों लिखा, यहाँ पर ये यू जो जीरो है, ये यू बेटा एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की थी, इनिशियली पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो ये यू जीरो है, ठीक है। तो ये एक मीनिंग ये क्लियर हुआ कि ये जीरो कहाँ से आया। उसके बाद tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau n डिवाइडेड बाय n, सभी इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम को ऐड कर दिया हमने और डिवाइड बाय n कर दिया, मतलब मीन ले लिया सभी इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम को, सभी इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम को हमने मीन ले लिया, तो इसलिए ये लिखा हमने ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और बेटा यहाँ पर जो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में टर्म आ रही है V1 प्लस V2 अप टू VN डिवाइडेड बाय n, जो ये हमारे पास टर्म आ रही है, ये आपके पास सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का हमने क्या लिया हुआ है, एवरेज लिया हुआ है। ये वो वेलोसिटी है जो जिस वेलोसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्या मैं इस एक्सप्रेशन को देखकर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बोलूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज नजर आ रहा है, विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ क्या लिखा, वी डी लिखा। I hope this equation is now clear to all of you. Is this clear? So we have Vd equal to A tau. So हमारे पास
वैल्यू क्या आई, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ के इक्वल आ गया. ओके सो वी हैव वी डी इज इक्वल टू ए टाउ. ठीक है, और बेटा ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ए की वैल्यू ये निकाली थी माइनस ई बाय एम. तो हमारे पास वी डी इक्वल टू माइनस ई बाय एम टाउ, माइनस ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम टाउ. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लू, इफ आई डोंट टेक द माइनस साइन हियर, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर सिंपल चार्ज की बात करूँ, चाहे वो मेरा पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो मेरा नेगेटिव चार्ज हो, तो मैंने सिंपल यहाँ पर मैग्नीट्यूड सिंपल के लिए मैंने ई माइनस को हटा दिया, ई लिया, मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, तो यहाँ पर ये आ गया ई डिवाइड बाय एम टाउ. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये ध्यान रखना, अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो माइनस साइन आएगा, अगर आप यहाँ पर होल्स ले रहे हो, क्योंकि बेटा हम यहाँ चार्ज कैरियर के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, अगर आप इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर ले रहे हो तो माइनस साइन लेना, अगर आप होल्स ले रहे हो तो यहाँ पर प्लस कंसीडर करना. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे. और यहाँ पर क्या रिजल्ट आपको मिला, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एंड डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द रिलैक्सेशन टाइम. और किस पर डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है. ठीक है, सो हियर इफ आई कंसीडर कि मैंने फॉर अ गिवन कंडक्टर के लिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, तो इस केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है रिलैक्सेशन टाइम के, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. ठीक है, व्हाट हैपेंस या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टर के ऊपर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है बेटा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जेटिक हो जाते हैं. ठीक है, तो जो चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, वो फास्टली मूव करने लग जाएंगे, दे विल मूव फास्टर, फास्ट मूव करने की वजह से एक दूसरे से टकराएंगे, जल्दी 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 टकराएंगे, टकराएंगे अगर वो जल्दी तो उनके बीच का रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, क्विकली क्विकली हो रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया. टेम्परेचर देखो शॉर्ट में, टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम के कम होने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई, रिलैक्सेशन टाइम के कम होने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई. ये किस केस में है, इन कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुडे वी हैव लर्न अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखा कि इनिशियली ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जीरो आती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिलती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इतनी एक्सेलरेशन निकाली. फिर हमने इसी जो बात की कि सक्सेसिव कोलिजंस के बीच में का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है. ठीक है, उन अगर हम डिटेल में करें तो मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स को वन बाय वन डिस्कस करके उनकी वेलोसिटीज निकाल के टेक एंड इक्वेशन को ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू आती है. तो हम लॉन्ग मेथड में ना जाकर शॉर्ट मेथड में जाते हैं कि आई विल राइट द इक्वेशन. ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दे दी, फिर बाद में हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया, ये रिजल्ट याद करना है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ऑन रिलैक्सेशन टाइम दैट वी हैव डिस्कस्ड.